गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे हाई बन। चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले हमें क्या करना है, पौनी कर लेनी है। देन हमें क्या करना है, क्राउन एरिया सेपरेट कर लेना है। देन जो बाकी का बाल बचे हैं उसको स्प्रे करेंगे, पौनी देन के साथ में लॉक कर देंगे। टाइटली लॉक करना है ताकि हमारे बाल निकले ना। अब हमें लेफ्ट साइड भी सेम प्रोसीजर करना है। अब हमें इसको भी पौनी के साथ में लॉक कर देंगे टाइटली। इधर भी सेम आ गए हम पफ की तरफ। अब हमें क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल में सेक्शन लेना है। देन उसमें क्या करना है, बैक कॉम करनी है। थोड़ी लाइट लाइट बैक कॉम करनी है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैक कॉम नहीं करनी है। बैक कॉम करेंगे अच्छे से, नीड करेंगे। देन इसमें क्या करेंगे, अब गाइज हमें लेयर निकालनी है। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। लेयर निकालते जाएंगे, स्प्रे करते जाएंगे, नीड करते जाएंगे अच्छे से। लेफ्ट साइड भी हमें सेम प्रोसीजर करना है। लेयर को निकालते जाएंगे, स्प्रे करते जाएंगे, नीड करते जाएंगे, शार्प करते जाएंगे, लेयर को फिनिशिंग देंगे। अब गाइज हमारी लेयर बन चुकी है। देन अब हमें क्या करना है, इसको बॉब पिन से टाइटली टक कर देना है। ध्यान रखिएगा टाइटली टक करना क्योंकि हमारे सारे बाल डोनेट में आने वाले, ताकि कोई बाल हमारा खिंचे ना, नहीं तो हमारा फ्रंट भी ख़राब हो सकता है। यह गाइज हम आ गए हैं पीछे की तरफ। देन अब हमें क्या करना है, एक डोनेट लगानी है। इसमें आप कोई भी साइज़ ले सकते हो अपने हेयर के अकॉर्डिंग या जितनी भी आपको वॉल्यूम देना है उसके अकॉर्डिंग। देन अब हमें क्या करना है, इसमें जूड़ा पिन लगा दिया हमने, फिक्स कर दिया इसको डोनेट को। अब गाइज हमें क्या करना है, जितने भी हमारे डोनेट में बाल बचे हुए हैं इसको सेक्शन बाय सेक्शन इक्वली डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारी डोनेट पूरी तरह से कवर हो जाए। गाइज ध्यान रखना हमारा कोई भी सेक्शन मोटा पतला ना हो, इक्वल हो सारे सेक्शन। ये हमारे गाइस सारे इक्वल हो चुके हैं सेक्शन। जो हमारे ऊपर का सेक्शन रह गया है इसको हम गाइस सेपरेट रखेंगे। अब क्या करना है, जितने भी हमारे सेक्शन थे इसमें क्या करेंगे, सारे सेक्शन को रबर बैंड से लॉक कर देंगे एक एक सेक्शन करके। देन इसमें फिर जूड़ा पिन से भी इसको लॉक कर देंगे, टाइटली लॉक करना है। ये हमारे गाइस सारे रबड़ बैंड से टक हो चुके हैं। देन अब हम क्या करेंगे, हमने इसमें सेक्शन लिया, देन हमने स्प्रे किया, नीड किया अच्छे से। देन अब हमें क्या करना है, अपने फिंगर पे रोल करते हुए नीचे की तरफ लेके आना है। नीचे की तरफ लेकर आएंगे, बॉब पिन से इसको लॉक करेंगे टाइट। देन फिर क्या करेंगे, हम इसको अच्छे से फैला देंगे दोनों तरफ से। देन स्प्रे करेंगे। अब हम क्या करेंगे, दूसरा सेक्शन लेंगे। इसमें से हमें तीन सेक्शन लेने हैं, एक सेक्शन में से तीन पार्ट करने हैं एक सेक्शन के। देन हमने सेकेंड सेक्शन लिया, कॉम किया, नीड किया, स्प्रे किया अच्छे से। देन अब क्या, अगर नीचे की तरफ से हमने इसको रोल करते हुए इसको भी बॉब पिन से यहाँ पे लॉक कर देंगे। बॉब पिन से हमने लॉक कर दिया। देन इसको भी क्या करेंगे, फैला देंगे, इसको भी मर्ज कर देंगे आपस में दोनों को। ये हमारा थर्ड सेक्शन है। थर्ड सेक्शन में भी सेम वही टेक्निक करनी है, पहले रोल करना है, देन इसको बॉब पिन से लॉक करना है, देन इसको भी फैला देना। अब क्या करेंगे गाइस, तीनों सेक्शन को आपस में मर्ज कर दें। ये हमने मर्ज कर दिया तीनों सेक्शन को आपस में जूड़ा पिन की हेल्प से। ये देखिए गाइस, हमारा जूड़ा पिन की हेल्प ले सकते हो आप, जहाँ जहाँ से आपको लग रहा है कि मर्ज नहीं हो रहा वहाँ पर जूड़ा पिन लगा के स्प्रे करके वो बिल्कुल एज इट इज ऐसे के। ये हमने बीट्स लगा दिया इसके बीच में ताकि ये अच्छे से विजिबिलिटी हो इसकी। देन हम चलते सेकेंड सेक्शन की तरफ। एक सेक्शन में से हमें तीन सेक्शन लेना है, ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है। देन हमने इसको स्प्रे किया, इसको भी
स्प्रे किया, कॉम किया, नीड किया अच्छे से। देन इसको भी क्या करेंगे, ऊपर की तरफ से रोल करते हुए लेके आएंगे। ये हम रोल किया, देन इसको भी बॉब पिन से टाइटली टक करना है, आपको लूज टक नहीं करना, टाइटली टक करना ताकि खुले ना। ये हमारा सेकंड सेक्शन, इसको भी हमने नीचे की तरफ से रोल किया, देन ये भी इसमें भी बॉब पिन से टाइटली लॉक कर दिया, देन इसको आपस में मर्ज कर दिया हमने। ये थर्ड सेक्शन है हमारा, इसकी भी सेम वही टेक्निक, रोल किया देन बॉब पिन से लॉक किया, टाइटली लॉक किया। देन अब क्या करेंगे, आपस में इन तीनों को मर्ज कर देंगे। ये हमने मर्ज कर दिया एक दूसरे में, देन क्या करेंगे, अब इसमें हमने एक बीट्स लगा दिया ताकि इसकी विजिबिलिटी अच्छे से शो हो। अब गाइज आ गए हम फ्रंट की तरफ, सब में सेम टेक्निक है गाइज, हमने एक सेक्शन में से तीन सेक्शन निकालने हैं, देन एक एक सेक्शन में से रोल करते हुए लेके जाना है, बॉब पिन से लॉक करना है, टैली लॉक करना है, देन उसको फैला देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, जिस किसी को भी हेयर स्टाइलिंग सीखने में इंटरेस्ट है ये वीडियो ज़रूर शेयर करना उसके साथ। ये गाइस हमारा फोर्थ सेक्शन है, सबसे पहले हमने क्या किया, स्प्रे किया, देन हमने कॉम किया, देन रोल किया, बॉब पिन से टक कर दिया। ये हमारा सेकंड सेक्शन है, इसमें भी सेम टेक्निक, स्प्रे किया, देन कॉम किया, देन इसको भी रोल कर दिया और बॉब पिन से टक कर दिया, आपस में दोनों को फैला दिया, मर्ज कर दिया। ये हमारा थर्ड सेक्शन, इसको भी सेम वही रोल किया, देन बॉब पिन से लॉक कर देंगे। जो भी ये वीडियो देख रहा है, जिस किसी को भी किसी भी हेयर स्टाइल में कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, उसकी फ़ोटो शेयर कर सकते हो, आपके लिए हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। हमारा यूज़र नेम है सैम हेयर स्टाइल ऑफिशियल, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। अब गाइस हमें क्या करना है, जो हमारा सेक्शन बचा हुआ था, एक सेपरेट हमने सेक्शन किया था, उसमें से हमने चार पार्टीशन किए हैं उसके, जो हमने नीचे सेम प्रोसीजर किया है, देन ऊपर भी सेम प्रोसीजर करना है। ये गाइस हमारा लास्ट सेक्शन है, इसमें भी हमें वही सेम टेक्निक करनी है। सबसे पहले नीड करेंगे इसको, इसमें से एक सेक्शन निकालेंगे, देन इसको भी स्प्रे करेंगे, रोल करेंगे, बॉब पिन से टक करेंगे। ये हमने रोल किया, देन अब हम इसको बॉब पिन से टक कर देंगे। ये हमने बॉब पिन से टाइटली टक कर दिया।
ये हमारा सेकंड सेक्शन, इसमें भी सेम वही टेक्निक करनी है। ये हमारे का ये एक्स्ट्रा हेयर है, देन हम इसको क्या करेंगे, साइड में लॉक कर देंगे जोड़ा पिन की हेल्प से, टाइटली लॉक कर देंगे ताकि ये विजिबल ना हो। ये देखिए गाइज हमारा फाइनल लुक कैसा लगा, आप लोगों को कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आके। बाय बाय गाइज, जल्दी मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।